नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। विकासशील हरियाणा में आज बात मनोहर राज में शुरू की गई संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना की करेंगे। करीब 4 साल पहले शुरू की गई इस योजना का मकसद संत महापुरुषों के विचार को जन जन में फैलाना है। संतों के बताए रास्ते पर चलकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर भगाना है। समाज में गरीब अमीर की खाई को भरना भी है। सालों से चली आ रही जात पात के भेदभाव को दूर करना है। एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारा बनाए रखना सिखाना भी है। हर किसी के सुख दुख में बिना किसी ईर्ष्या के शामिल होना सिखाना है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तभी प्रदेश का हर नागरिक खुशहाल हो पाएगा। हरियाणा सरकार ने संतों के विचार प्रचार के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी रखा है और सभी जाति धर्म के बड़े संत महापुरुषों की जयंती प्रदेश स्तर पर मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि दुनिया तेजी के साथ आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, लेकिन जब तक हमारे एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में संतों महात्माओं की लिखी किताब नहीं होगी, समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। मनोहर राज में शुरू की गई संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार के तहत करनाल के अनाज मंडी में गुरु गोरखनाथ स्मृति उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय समाज में योगी का अतुलनीय योगदान है। हमारी संस्कृति को बनाए रखने में गुरु गोरखनाथ ने अहम भूमिका निभाई है और आज हम सभी को उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत भी है। भारत ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। यहाँ की धरती पर एक से बढ़कर एक संत महापुरुषों का जन्म हुआ है, जिनका समाज हित में अतुलनीय योगदान रहा है, जिनकी कही बातों का अनुसरण आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग करते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि समाज के कई बड़े संत महात्माओं को समय के साथ भुला दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब इनके विचारों को एक बार फिर से जीवित करने के प्रयास में जुटे हैं। करीब 4 साल पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए सभी संत महात्माओं के विचार को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस योजना को सफल बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान रखा है। मनोहर लाल का मानना है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, समाज हित में संतों की वाणी को नहीं भुलाया जा सकता है। करनाल के अनाज मंडी में गुरु गोरखनाथ स्मृति उत्सव के मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति को बचाने में गुरु गोरखनाथ की अहम भूमिका थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु गोरखनाथ की जयंती मनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से विचार कर किसी गुरु गोरखनाथ की जयंती मनाई जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। अब ये बोध वाक्य आज का नहीं है, हमारे संतों की इतनी प्राचीन परंपरा बहुत आदिकाल से हमेशा समाज के सुख की कामना ये की गई है। और जब ये सुख की कामना की गई है तो ऐसा नहीं कि जब उन्होंने कहा उस समय ये प्रासंगिक थी, ये आज भी ही उतनी प्रासंगिक है कि सबके सुख की कामना सब करते हैं, तभी वो भगवत प्राणी हैं। प्रभु के प्राणी तभी हैं जब प्रभु की संतान सब मानवों के लिए मन में एक अच्छा सद्विचार हो। अब इतने संत महापुरुष हुए हैं, एक काल में तो सबका एक स्थान उस समय बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनकी वाणी का, उनकी शिक्षाओं का जितना एक महत्व, जितना प्रचार होना चाहिए था, वो बैकग्राउंड में चला गया। ठीक है, हमारे मंदिर हैं, हमारे मठ हैं, हमारे तीर्थ स्थान हैं, वहाँ कभी कभी कुंभ के मेले हुए, हम शिक्षा जाकर लेते हैं, लेकिन वर्तमान में सरकारों के नाते से सरकारें अलग ही सिस्टम पर चल पड़ी।
और समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां पैदा हो गई। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो योगदान संतों का, महापुरुषों का था, अतुलनीय था। वो समाज के अंदर कुरीतियां कैसे दूर करनी है, तो हमने सरकार में आने के बाद एक घोषणा की, संतों की जीवनियां, संत महापुरुषों के विचार का प्रसार, उनका मान सम्मान, इसकी योजना बनाई जाए। और पिछले इन 4 सालों में, 2 साल बीच में कोविड के चले गए, लेकिन उससे पहले शुरू कर दिया था हमने, अभी उसके बाद भी कितने ही संतों महापुरुषों की जयंतियाँ ये हमने सरकारी तौर पर मनाई हैं। आज भी गुरु गोरखनाथ जी की कोई जयंती का दिन तो नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति का उत्सव ये हम मना रहे हैं। इसमें भी एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो इतिहास की बात है, कि अभी तक महंत संत गोरखनाथ जी के जीवनी के बारे में बहुत कुछ अभी अनभिज्ञता है, बहुत चीज़ें अभी जानकारी में आई नहीं है। उनका इतिहास भी, उनके जन्म का इतिहास भी ऐसा ही है, लेकिन अब समाज को बैठ करके तय करना चाहिए कि वर्ष में कोई एक दिन उनका स्मृति दिवस, उनका प्रकाशोत्सव, उनकी जयंती का दिन ऐसा कोई मनाना चाहिए। तो पिछले दिनों में योगी जी से मेरी बात हुई, योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मैंने कहा, मेरे सामने ये विषय आया, हमें बताइए कौन सा दिन मनाना है। उन्होंने कहा कि हम मई के शायद 19-20 तारीख को समाज के लोगों की एक मीटिंग कर रहे हैं, उस दिन संभवतः सब विद्वान जो हैं उनकी जानकारी के आधार के उसको तय करने में सक्षम होंगे। शायद 19-20 मई है, ऐसा मुझे लगता है, 19 मई सबको पता है। इसी में से ये तो तय हुआ कि आज हम ये कार्यक्रम करेंगे। कुछ बंधुओं ने कहा कि 5 मई को उनका जो है जन्मदिन प्रगटोत्सव ऐसा मनाते हैं, तो आज 5 मई को मनाइए। मेरे मन में एक विचार आया, अच्छा होता कि 5 मई होता, क्योंकि 5 मई को किसी और एक व्यक्ति का जन्मदिन भी आ रहा है, अगर वही होता तो मुझे आनंद होता। लेकिन अभी चूंकि विवाद हो गया तो मैं कह नहीं सकता कि वो 5 मई होगा या कौन सा होगा, लेकिन उस उपलक्ष्य में 4 मई को आज हम उनका एक स्मृति उत्सव ये मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को, समाज के नेताओं को, संतों को, सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि जब हमारी सोच प्रदेश के विकास, तरक्की, उन्नति और प्रगति की होती है, तो विभिन्न समाज के उन संत महापुरुषों का मार्गदर्शन सबसे पहले ध्यान में आता है, जिन्होंने सैकड़ों साल पहले हमें जीवन जीना सिखाया, एक दूसरे की मदद करना सिखाया, समाज का उत्थान करना सिखाया, हर वर्ग को समान नजरिए से देखना सिखाया, समाज में फैले कुरूतियों को दूर करना सिखाया, आपसी भाईचारा बनाए रखना सिखाया, लोभ, मोह, माया, तृष्णा को त्याग कर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना सिखाया, गो हत्या का विरोध करना सिखाया है, महिलाओं को शिक्षित करना सिखाया, योग करना सिखाया, पानी बचाना सिखाया, गरीबी के साथ लड़ना सिखाया, और विभिन्न संतों के बताए इन्हीं रास्तों पर आज हरियाणा सरकार चल रही है। तो विषय क्या आता है, सामाजिक बुराइयां, उसके खिलाफ सब महापुरुष खड़े हुए कि किस प्रकार से हमको गोरक्षा की बात करनी है, गोहत्या का विरोध करना है, किस प्रकार से नशे को दूर भगाना है, किस प्रकार से महिलाओं में शिक्षा, इसका प्रचार प्रसार करना है, कैसे हमको पानी का जो संकट है उस पानी को कैसे बचाना है, इस ओर काम करते हैं, कब हम पर्यावरण के नाते से विचार करना है, ऐसे संतों महापुरुषों के बहुत से ऐसे विचार हमारे आ रहे हैं सामने, योगा का प्रचार प्रसार कैसे करना है। आज अगर मंत गोरखनाथ जी या इस योगी समाज की मैं चर्चा करूं, तो योग के अंदर अभूतपूर्व एक योगदान रहा है, जिस योग को आज भी दुनिया मान चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 21 जून को योग दिवस मनाने के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने कराई है, इसकी अगर बैकग्राउंड में
कोई समाज, कोई महापुरुष रहे हैं तो योग, योगी जितने भी थे वो सब योग को आगे बढ़ाते थे। तो इस प्रकार से ऐसी सामाजिक बुराइयों का, तो आज भी समाज में बुराइयां, उनको दूर करने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। गरीबी के साथ लड़ाई लड़ना, लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना, वास्तव में ये रचनात्मक काम है जिसके ऊपर हमको विचार करना है। अब ये सब मांगे आपकी तरफ से आई, बाकी सबकी तरफ से आई, हमने भरपूर प्रयत्न किया कि इन चीजों पर कैसे आगे बढ़े, महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, और उससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में अभूतपूर्व काम हुआ। जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी, जो जेंडर रेशो 2014 में जब शुरू किया उस समय 851 की जेंडर रेशो थी, आज हरियाणा की जेंडर रेशो बंधुओं 923 हो गए, 923 हजार 2000 जन्म के पीछे 72 बेटियां जो गर्भ में मार दी जाती थी आज वो बचती हैं। बेटी हमारा धन है, बेटी समाज के अंदर, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये एक प्रकार का, यानी हमारी परंपराएं हैं, ये कैसे बचाना है। बेटी की शिक्षा, 72 कॉलेज हमने खोले जिसके अंदर 42 कॉलेज केवल महिलाओं के और बाकी 30 कॉलेज जो हैं उसको हमने एजुकेशन यानी को एजुकेट, जो लड़के लड़कियों दोनों का, ऐसे कॉलेज हमने खोले। शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। मित्रों, गरीब की सहायता कैसे की जाए, पहचान कर रहे हैं हम कि कौन गरीब रह गया, उसकी सहायता में उनका पहले डाटा इकट्ठा किया, परिवार पहचान पत्र में उनकी आय कितनी है। बीपीएल इस नाते से पहले 1,20,000 की आय को बीपीएल माना जाता था, हमने कहा कि नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए। हरियाणा में 1,80,000 किया, 1,80,000 किया ताकि गरीबों की सहायता की जा सके, उनके राशन कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड बनाए। जिस परिवार में काम करने वाला व्यक्ति अगर एक भी मिल जाए, उसको काम के लिए कैंप लगा के उसमें बुलाओ। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसको हमने किया। व्यक्ति का स्वाभिमान कैसे खड़ा करना है, इसके लिए हमने काम किए। योगी समाज के विकास के प्रति सजग मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वोट के बदले काम की परंपरा को हमें तोड़ना होगा। हमारी सरकार का प्रयास सभी को समान रूप से आगे ले जाने को लेकर है। महंत गोरखनाथ के बताए रास्ते पर हम सभी को चलने की जरूरत है। गुरु गोरखनाथ स्मृति उत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई घोषणा भी की। अब ये सामाजिक काम है, ऐसा नहीं है, ये हमारे समाज में भी जो गरीब समाज है, ज्यादातर मैं समझता हूँ योगी समाज की कोई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनको व्यवसाय की जरूरत है, उनको हर सुविधा की जरूरत है, लेकिन इस सुविधा इस प्रकार से हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक दूसरा प्रकार होता है जो राजनीतिक प्रकार है कि समाज को जातियों में बांट के रखो, जातियों के नाते उनकी डिमांड को पूरा करो और उसके बदले में जातियों से सौदेबाजी करो कि आप मेरा काम करो, हम आपको वोट देंगे, वोट के बदले में काम। ये सौदेबाजी, ये गलत परंपरा है, इस परंपरा को हमको तोड़ना चाहिए। वोट अपनी जगह है, समाज को सुधारना, इसको ऊपर उठाना, ये अलग एक विषय है। हम सबको मिल करके अगर जाति के तौर पर भी, पंथ के तौर पर भी, महापुरुषों की शिक्षा के हिसाब से भी अगर आगे बढ़ना है तो दूसरी परंपराएं जो हमारी बनी हुई हैं उस पर काम करना चाहिए। हमारी चिंता जरूर सरकार करेगी, जिसकी जो जो जरूरत है उसको हम पूरा करेंगे। हाँ, महापुरुषों की अमरता, उनको याद रखना ताकि हमारी प्रेरणा लगातार हमको मिलती रहे। महंत गोरखनाथ एक नाम से अगर कुछ चीज़ें अगर प्रदेश में होंगी तो हमेशा हम याद रखेंगे, जब भी हम जाएंगे उनकी शिक्षा के सामने हमारा नतमस्तक हम होंगे, हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता, उनको याद रखना। तो इस परंपरा पर हमने हरियाणा में काम किया है और उस नाते से जितनी भी बातें आपने बताई उनमें से बहुत सी बातों का विचार हमने किया है। जिस प्रकार से एक विषय आया कि महंत गोरखनाथ जी का कैसे उनके नाम को याद रखें, मुझे कष्ट के साथ बात करनी पड़ रही है कि आपके संगठन, 5 संगठन तो मैं जानता हूँ, अलग अलग संगठन काम करते हैं, अलग अलग एरिया में करते हैं, अलग अलग नेता हैं, और भी ज़्यादा होंगे। मेरा कहना है कि सबसे पहला काम पूरे समाज की एकता, एक होकर के एक नेतृत्व बना करके आगे बढ़ें, यह सबसे पहली आवश्यकता है।
और जो जो मांगे अलग अलग से आई हुई हैं सब मिल करके एक मांग पत्र के हिसाब से आएंगे, बहुत सी चीज़ें हल हो जाएंगी। जैसे हम दो या तीन शहरों के अंदर मंत गोरखनाथ जी के नाम से कुछ चौक का नाम रखेंगे, लेकिन वो जब तब आप सहमत होकर के हमको बता देंगे। हम दो या तीन मार्गों का नाम उनके नाम से रख देंगे, आप सहमत होकर के बता दीजिए कि मंत गोरखनाथ जी के नाम से ये मार्ग रखने हैं, बशर्ते कि पहले किसी और का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी दूसरे को तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकते, नहीं ना पहुंचा सकते। हमारे जो अपने आराध्य हैं उनके नाम से अलग से मार्ग हम रखें। कोई एक शिक्षण संस्थान, कोई कॉलेज से हम शुरू करेंगे, किसी एक कॉलेज का नाम मंत गोरखनाथ जी के नाम से उनके नाम रखेंगे। डिमांड्स में आया कि उनके नाम की एक चेयर स्थापित की जाए, तो मैंने महन जी से अभी बात की है, मंत बालकनाथ जी से, तो विश्वविद्यालय बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय जो अस्थल बोर में है, इस विश्वविद्यालय में मंत गोरखनाथ जी की चेयर ये स्थापित की जाएगी, ताकि उनके नाम का, उनकी शिक्षा का एक प्रकार से शोध किया जा सके। मित्रों, हम लोगों ने एक पुजारी पुरोहित एक बोर्ड का गठन किया है। अब मेरा एक विचार जो आज डिमांड में भी रखा हुआ है, अलग अलग बोर्ड की बजाय पुजारी पुरोहित में जो हमारे नाथ संप्रदाय के नाथ सज्जन हैं, जो पूजा का काम करते हैं, उन गुरुद्वारों की परंपरा में हैं, हम नाथ संप्रदाय के उन लोगों को भी उस पुजारी पुरोहित बोर्ड के अंदर शामिल करते हैं, ये भी एक घोषणा आपको बताई जाती है। आपकी जो धर्मशालाएं हैं मुझे मालूम नहीं कितनी हैं, सबसे पहले अगर आप नाथ संप्रदाय की या योगी समाज की जो भी धर्मशालाएं हैं वो सब अगर आप हमको सूची दे देंगे, तो यथा योग्य सबको उनके साइज के या उनकी आवश्यकता के हिसाब से योगदान जो है वो भी उसमें अनुदान दिया जाएगा, इस प्रकार की घोषणा भी हम करते हैं। संतों की शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ना, ये घोषणा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हर संत महापुरुष के नाम से अलग से पाठ जोड़ना तो शायद बच्चों के साथ जाती हो जाएगी, क्योंकि संत महापुरुषों की लिस्ट बहुत बड़ी बन गई है। उन सब का उल्लेख करते हुए संतों की शिक्षा, ये बच्चों को पता लगना चाहिए, इसलिए मंत गोरखनाथ जी की शिक्षा का उल्लेख हम पाठ्यक्रम में जरूर करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं। महंत गोरखनाथ के स्मृति उत्सव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि नाथ समाज के लिए पंचायत चुनाव में आरक्षण का प्रावधान पहले से है, लेकिन अब नगर निकाय चुनाव में भी आरक्षण दिया जाएगा। योगी समाज के हित में अपना दिल खोल चुके मुख्यमंत्री मनोहर लाल नौकरियों में आरक्षण समेत कई ऐसी घोषणाएं की जिससे योगी समाज को विकास के मुख्य धारा में लाया जा सके। कि उनको आरक्षण के कारण से कितने सरपंच बता रहे थे बने, 31 सरपंच बने, और ये पहली बार बने होंगे जब BCA को आरक्षण दिया है। इसी प्रकार का आरक्षण नगरों में जो नगर पालिकाएं नगर परिषदें हैं उसके अंदर भी इस चुनाव से पहले लागू कर देंगे, ताकि आपके लोग उसमें भी आकर के चुनाव लड़ सकें, आगे बढ़ सकें। हमारे जो पारंपरिक संगीत वादक हैं, सारंगी वादक हैं, फिर कुछ और अन्य जो शिव विवाह आदि के ऊपर जो जिस प्रकार से वाद्य बजाते हैं, ऐसे सब वादकों के लिए एक विशेष आयु के बाद जब वो अपना वाद्य बजाने के सक्षम नहीं रहते, आखिर फूक मारनी होती है और वाद्य फूक से ही है, तो एक सारी आयु तक वो संभव नहीं होता है, तो जो उनकी सक्षमता समाप्त होगी, ऐसे वाद्य वादकों के लिए अलग से पेंशन की एक स्कीम बन रही है, ताकि उनकी आजीविका की पेंशन उनको ये मिल सके। एक मेरा ऐसा भी विचार है कि देखिए, समाज में एक परंपरा भिक्षा मांगने की है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है योगी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो भिक्षा मांग करके अपना काम करते हैं, कुछ पारंपरिक चला आ रहा है। हो सकता है उस समाज के अंदर मांगने वाले, भिक्षा मांगने वाले लगते हैं कि शायद हमारा यही व्यवसाय है, इस व्यवसाय को छोड़ना चाहिए, ऐसे सब लोगों को हम विशेष शिक्षा, विशेष उनका जो हुनर है उनका विकास करके, उनके
उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसको करा करके उनको अलग से व्यवसाय करने के लिए हम योजना बनाएंगे ताकि इनको कोई व्यवसाय मिल सके, अपनी आजीविका उसमें से वो कमा सकें। एक ये भी विचार आप लोगों में से ही किसी सज्जन ने जोड़ा है, इस नाते से ये सब हम करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि इन महापुरुषों की जयंतियाँ हम सब मना रहे हैं और उसमें शिक्षा के आधार पर जो चीज़ें हमारे लिए संभव होंगी, सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे शिक्षा। शिक्षा में हमने आरक्षण पहले से दे दिया है, अब एक आरक्षण की जात पात के नाम से जो लोग कहते हैं इस जाति को यहाँ जोड़ दो, इस जाति को यहाँ जोड़ दो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं दूसरी जातियों से जुड़ी हुई होती हैं। हमने कोई चीज़ कहीं भी अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर भी जाता है। हम उसमें योग्य विचार करने के बाद जो गरीब है, जिसको आरक्षण पहले नहीं मिला है, उसके लिए विशेष योजनाएं बनाएंगे। लेकिन अगर कोई वर्ग पहले से आरक्षण में आ गया है, उसको अतिरिक्त लाभ देना कई बार कठिन होता है, कई विषय इसमें कोर्ट में भी चले जाते हैं। तो हमने घोषणा की थी कि अगर योगी समाज या घुमंतू समाज, बहुत जातियाँ उसमें, उन जातियों में से कोई जाति जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा, ऐसे परिवार में यदि सरकारी नौकरी पहले से नहीं है तो उनको सबको 5% अंक ये अलग से मिलेंगे और ये आपके समाज पर भी लागू होता है। योगी समाज में डीएनटी को लेकर पहले से कई तरह की भ्रांतियां हैं, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्टीकरण दिया। एक शब्द है डीएनटी। डीएनटी की बात बहुत लोगों ने की है कि समाज को डीएनटी में जोड़ दिया। अब वो जुड़ा करने जुड़ा मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने उसको विषय जो बनाया मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। डीएनटी क्या होता है? डीएनटी से अगर डी हटा दो तो बनता एनटी। एनटी कभी अंग्रेजों के टाइम पर होता था, नोटिफाइड ट्राइब। जो पढ़े लिखे लोग उसको समझेंगे, नोटिफाइड ट्राइब वो होते थे जैसे थाने में 10 नंबरियों की लिस्ट लगती है ना कि 10 नंबर ये परमानेंट अपराध करने वाला आदमी है, इससे बच के रहो। ऐसे नोटिफाइड ट्राइब होते थे जिनसे समाज को बचने के लिए कहा जाता था। उनका जो व्यवसाय धंधा कोई साइब का होता था जिससे लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसे नोटिफाइड ट्राइब कुछ जातियाँ होती थी, उनको अलग से पहचान बन गई, नोटिफाइड है, लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे। देश आज़ाद हुआ तब ये विचार आया कि नहीं, अब हम सब समान हैं, जो नोटिफाइड ट्राइब हैं उनको डी नोटिफाई कर दो, अर्थात उनके ऊपर जो तमगा लग गया है ये गलत समाज का, उसको ठीक करना तो उसको डी नोटिफाई कर दो। तब उनको डीएनटी कहा और ये कहा कि पिछड़ा हुआ समाज है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, तब वो बना डी नोटिफाइड डीएनटी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति को बचाए रखने में योगी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की पहचान संत महापुरुषों से है। प्राचीन समय का जब इतिहास है तो ये कह सकते हैं कि आज योगी समाज ही हमारी उन परंपराओं का वाहक है जो कभी हमारे सांस्कृतिक पहचान होती थी। हमारे मंदिर थे, हमारे मठ थे, अंग्रेज़ों ने और उससे पहले मुगलों ने जितना मंदिरों को तोड़ा, उसमें तोड़ने के लिए यानी ना तोड़ा जाए इसका मुकाबला करने के लिए जो योगी समाज ने योगदान किया अभूतपूर्व है। और इसके लिए एक प्रमाण मैं आपको बताता हूँ कि नेपाल के अंदर मंत गोरखनाथ जी का चित्र वहाँ की मुद्रा पर अंकित होता था। जब माओवादियों की सरकार आई तो उन्होंने वो चित्र वहाँ की मुद्रा से हटा दिया। जैसे हटाया तो वहाँ विद्रोह हुआ और हमारे गोरखनाथ के जो योगी समाज के लोग हैं उन्होंने विद्रोह के बाद उस माओवादियों का भी सफाया कर दिया। ये इस प्रकार का सिस्टम हमारे यहाँ पहले कभी होता था। योगी समाज का बड़ा स्थान था। अगर राम जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए आज इसका श्रेय किसको दिया जा सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अगला कोई श्रेय लेने वाले कोई हैं तो योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री, और राम जन्मभूमि को सुरक्षित करने के लिए उनको योगदान दिया जा सकता है। तो समाज की रक्षा सुरक्षा, धर्म की रक्षा सुरक्षा, जो कभी गुरु परंपराओं में से ये चीज़ें निकल के आई, योगी समाज तो आदिकाल से चलता आ रहा है। मैं योगी समाज के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखता हूँ। इतना ही मेरा निवेदन, सब इकट्ठे होकर के एक गुरु बना के मेरे पास आ जाओ। जो आवश्यकताएं आपकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, स्वाभिमान की, जो चीज़ें आपको चाहिए सारी चीज़ें आपको प्रदान की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदिकाल से संत महापुरुष हमें जिंदगी जीना सिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब सभी संत समाज को सम्मान दिलाने में जुटे हैं, जिन्होंने समाज कल्याण में अपनी जिंदगी खपा दी।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर सभी महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जा रही हैं। महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और भावी पीढ़ी को महापुरुषों की जीवनी और उनकी दी हुई शिक्षाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना की शुरुआत की गई है। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।